प्रसन्नात्मा भीक्ष नयनमवतारं नयतुमि। ज्योति कुंज गुरुदेव के चरणों में वंदन। ज्ञात हुआ संसार पक्षी दादी जी कांताबेन मेहता ने समाधि मरण का वर्ण किया। एक ऐसी श्रालिका जिसने अपने प्रबल मनोबल के साथ अपनी बीमारी अपनी परेशानियों को पार करते हुए अपनी आत्मा की पावर को रिफ्लेक्ट किया और समाधि मरण संधारी का एक गहरा संकल्प ही नहीं लिया बल्कि उसे शुभ उच्च प्रशस्त भावों के साथ साकार भी किया। हमें कल ही ज्ञात हुआ कि उनके मन में त्याग की भावना बढ़ रही है और आज जानकारी मिली जब सुबह 7 बजे उन्हें पूछा गया कि आज सूर्योदय हो गया है आप क्या भोजन लेंगे, उन्होंने बोला मैंने तो त्याग कर दिए हैं और वो बोल नहीं पा रहे थे ज्यादा, तो उन्होंने लिख के दिया कि मुझे संधारा करना है, शीघ्र से अतिशीघ्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर मुझे संधारा प्राप्त करना है। गुरु के प्रति उनकी अटूट आस्था और आचार्य प्रवर का एक पावन संदेश उन्हें मिला, उनकी आज्ञा उन्हें मिली संधारा हेतु और साध्वी श्री का आगमन हुआ और आज उन्होंने संधारे का वरण किया। और संधारा लेने के बाद करीब करीब 7 मिनट में ही उन्होंने अपने भावों को और उच्चता बताते हुए कहा कि मुझे तिलिहार नहीं चौबिहार संधारा करना, यानी मुझे आमरण जल भी नहीं लेना है। और उन प्रबल भावों के साथ उन्होंने आत्मानुभूति को बताया कि मुझे लग रहा है बस मेरी आत्मा अब जाना चाहती है, वो अभी शरीर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। और बस वही साधक बता सकता है जो अप्रमत्त हो, जो अपने अंदर के सूक्ष्म प्रकंपनों को अनुभूत कर पाए और आत्मा को साक्षात कर पाए। उन्होंने कहा और चौबीहा संधारा लेने के बाद 51 मिनट में उनका वो संधारा चौबीहा संधारा पूर्ण हुआ उच्च भावों के साथ उत्कृष्ट अध्यवसाय के साथ, जैसा हमें प्रतीत होता है उन्होंने संधारा लिया एक दीप का संधारा। और ये कहता है कि उनका उच्च भविष्य है सामने और वह दिव्य गति को प्राप्त करते हुए आगे से आगे अपनी आत्मा की आराधना के साथ अपने मूल लक्ष्य मोक्ष श्री का वर्ण करें। हम उनके प्रति मंगल भाव करते हैं और आज का दिन उन्होंने लिया, आज का दिन जो दशहरे का दिन है विजयदशमी का दिन, कहते आज का दिन पूरा दिन एक प्रशस्त समय माना जाता है और उसमें भी विजयदशमी में भी विजय मुहूर्त मध्यान्ह का समय उन्होंने लिया। वो विजय मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में उन्होंने संधारे को संपन्न किया उन आत्मा के प्रति और सभी समाज के श्रावक श्राविकाओं के प्रति और विशेषकर उनके ज्ञातिजन जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ क्योंकि मेरे संसार पक्षी दादी जी हैं, तो मैं उधर जागृत मुनि है, हम दोनों फर्स्ट कजिन होते हैं, तो हमारे संसार पक्षी दादी जी साध्वी श्री प्रज्ञावती जी की बहन, तो ऐसे कांताबेन का जीव उत्तर उत्तर आगे बढ़ता रहे। और उन्होंने मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक संदेश लिखा और कुछ शब्द लिखे अपने परिवार के लिए कि हमारे बच्चों ने और पूरे परिवार ने जो सेवा की है वो वास्तव में एक संयम की साधना का उन्होंने परिचय दिया, वो बहुत समतावान है, तो वो समता का संस्कार जो उन्होंने एक तरह से वसीयत लिख के गए हैं वो समता के संस्कार की उसके साथ ये परिवार निरंतर आगे बढ़ता रहे और उनका उनकी आत्मा का प्रशस्त कल्याण हो, यही मंगल कामना अभ्यर्थना। ओम अरहम।